दे टीच यू टू मेक अ सक्सेस ऑफ योर लाइफ, वो हमें सिखाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को सफल कैसे करते हैं बाय लिविंग फॉर द ट्रू गोल ऑफ एग्जिस्टेंस, अपने ट्रू गोल ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए जीने के लिए जीना, इसलिए ताकि ट्रू गोल ऑफ एग्जिस्टेंस को अचीव किया जा सके। ट्रू गोल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? अपने सारे के सारे बंधनों से मुक्ति पाना, दुख को कंप्लीटली खत्म करना। व्हाट इज द ट्रू गोल ऑफ लाइफ? टू गेट अ लिबरेशन, टू गेट अ मुक्ति फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉरोज, मिजरीज एक्सेट्रा एंड द बॉन्डेजेस, टू गेट रिड ऑफ टू गेट रिड फ्रॉम बॉन्डेजेस। दिस इज द ट्रू गोल ऑफ एग्जिस्टेंस। दे एंडाउ योर लाइफ विद अ रिच मीनिंग, ये हमें जिंदगी का एक रिच मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड सेव यू फ्रॉम द टेम्पटेशंस ऑफ प्रिटी एंड बेस थिंग्स बाय कॉन्स्टेंटली कीपिंग बिफोर योर विजन एंड द इंस्पायरिंग पिक्चर ऑफ अ हाई आइडियल। ये हमारे सामने हमेशा एक पिक्चर ऑफ हाई आइडियल रखते हैं कि एक हाई आइडियल क्या होता है, और हमें हमारी जिंदगी को एक बहुत ही अच्छा मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, और हमें सब तरह के टेम्पटेशन से मुक्ति प्रोवाइड करते हैं। ये टेम्पटेशंस क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? टेम्पटेशंस ऑफ पिटी एंड बेस थिंग्स, टेम्पटेशन ऑफ पिटी एंड बेस थिंग्स क्या होते हैं? जो हमारे क्षुद्र स्वार्थ होते हैं, हमारे जो बुरी आदतें होती हैं लोगों की, अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरटेनमेंट हो गया, पॉर्नोग्राफी हो गई, टू मच स्टूपिड इंटरटेनमेंट। एक अच्छा इंटरटेनमेंट भी होता है, एक बुरा इंटरटेनमेंट भी होता है। मतलब आप कुछ साइंस फिक्शन देख रहे हो, आप पॉसिबिलिटी देख रहे हो कि हम क्या इन्वेंट कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे लोगों की मदद हो, दैट इज नॉट अ टेम्पटेशन। बट इसके नाम पे इधर उधर की बेवकूफ वाली मूवीज देखना, दैट इज कॉल्ड टेम्पटेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्मोकिंग, एल्कोहल, सेक्सुअल चीज़ें, ड्रग्स, हैंग आउट विद फ्रेंड्स, गॉसिपिंग विद फ्रेंड्स अननेसेसरीली, वॉचिंग स्टूपिड स्टफ ओवर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ऑल द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नाउ देर आर हंड्रेड्स ऑफ टेम्पटेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, द अदर टेम्पटेशंस आर इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन अ स्टूपिड रिलेशनशिप, रनिंग बिहाइंड द अपोजिट सेक्स एक्सेट्रा। दिस स्पिरिचुअल बुक्स कंटेन वर्ड्स ऑफ अथॉरिटी एंड पावर डराइव फ्रॉम द हायर सोर्स, एंड दिस इन्फ्यूज द सिंसियर रीडर विद इनर स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड्स हिम विद अ पावरफुल अर्ज टूवर्ड्स अ प्रोग्रेसिवली नोबलर एंड बेटर लाइफ। दिस स्पिरिचुअल बुक्स कंटेन वर्ड्स ऑफ अथॉरिटी, ये जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं ये उन शब्दों को अपने अंदर कंटेन करके रखती है, उन शब्दों को अपने अंदर समाहित करके रखती है जो कि अथॉरिटी से आते हैं। अथॉरिटी क्या है? वॉट इज द अथॉरिटी? अगर हम किसी गाड़ी को चलाना चाहते हैं और हमें ये नहीं मालूम कि क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, एक्सेलेटर क्या है, अगर हमको यही सब नहीं पता तो हम उस गाड़ी को नहीं चला पाएंगे। उसी तरह से जो वर्ड्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं, वो जो स्पिरिचुअल लिटरेचर होता है, और ये बहुत वास्ट है। अब ना, ये बहुत डिबेटेड टॉपिक है कि वो क्या होता है, हर व्यक्ति उसे अलग अलग मानता है, ये भी बात है। बट कुछ ऐसा लिटरेचर है जो कि सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड है, लाइक बुद्धा का लिटरेचर, जीसस का लिटरेचर, पैगंबर हजरत मोहम्मद के द्वारा लिखा गया, गुरु नानक के द्वारा लिखा गया। मतलब इन लोगों के द्वारा लिखा नहीं, पर इन लोगों ने जो प्रवचन दिए उसको फिर लिखा गया। वेदांत है ना, ये सारी चीजें जो है वो वर्ड्स ऑफ अथॉरिटी हैं, और ये सारी चीजें जो स्वामी शिवन जी ने लिखी हैं वो उसी में से लिखी हैं। एंड पावर डेराइव फ्रॉम अ हायर सोर्स, और ये जो डेराइव करती है पावर, एक हायर सोर्स से डेराइव करती हैं, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये किसी आम आदमी के द्वारा नहीं है। लाइक इफ यू रीड बुद्धा, बुद्ध को पढ़ेंगे तो आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल कॉन्टेंट, द त्रिपिटक्स, द त्रिपिटक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो त्रिपिटक में आप पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि बुद्ध क्या बताना चाहते हैं, और जो उसको फॉलो कर पाया वो डेफिनेटली
अपने सारे दुखों से मुक्ति पाएगा ही पाएगा, जो जितना फॉलो कर पाता है उतना मुक्ति पा पाता है। एंड इन्फ्यूज द सिंसियर रीडर विद इनर स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड्स हिम विद अ पावरफुल अर्ज टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिवली नोबल एंड बेटर लाइफ। और ये स्पिरिचुअल रीडर को एक इनर स्ट्रेंथ देता है, जो रीड करता है, जो किताबों को पढ़ता है इस टाइप की, वो उनको एक आंतरिक ताकत प्रोवाइड करता है, एक बहुत ही ताकतवर इच्छा उत्पन्न करता है, जो कि मदद कर जो कि किसके लिए होती है, एक एक महान और बेहतर जिंदगी जीने के लिए। दस दो साइलेंट दे आर ये डायनेमिक लाइफ ट्रांसफॉर्मर्स, भले ही वो साइलेंट रहती हैं किताबें ये किताबें, बट सबसे ज़्यादा डायनेमिक और लाइफ ट्रांसफॉर्मर्स होती हैं ये। आजकल की जो सेल्फ हेल्प बुक्स आती है ना, जो कि द मॉन्क हू सोल्ड हिज़ फरारी एंड दिस काइंड ऑफ बुक्स और दैट काइंड ऑफ बुक्स, दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल नॉट हेल्प यू। सी मोटिवेशन इज टेम्प्ररी, है ना, द इंस्पिरेशन कम फ्रॉम वाई दैट इज परमानेंट। जब किसी इंसान को ये पता होता है कि वो कोई भी काम क्यों कर रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, जितना ज़्यादा क्लियर होगा वो किसी भी चीज़ के लिए क्यों, अपने वाई के लिए, कि वाई आई एम डूइंग दिस, जितना ज़्यादा वो क्लियर होगा उतना ज़्यादा वो शिद्दत से और मेहनत से उस काम को कर पाएगा। और ये वाई जो है वो हर इंसान को खुद ही ढूंढना होता है। सी करोड़ों लोग जो हैं इस देश में एक ही चीज़ के, एक दो चीज़ के पीछे ही भाग रहे होते हैं, पैसा पावर, यही दो मेन चीज़ें जिसके पीछे लोग भाग रहे होते हैं, और इन्हीं चीज़ों से इज्जत वगैरह ये सब बाहरी सोसाइटी में मिलती है। आईआईटी में ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े अमाउंट में लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े नंबर ऑफ पीपल जो वो सिर्फ यूपीएससी आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि इतने सारे लोग जो हैं वो एक ही गोल को डिमांड करें, ऐसा नहीं है। इसका क्लियरली मतलब है कि वो एडवर्टाइजमेंट और वो जो पावर एंड मनी और इन सब चीज़ों से मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि बेस में तो यही सारी छात्रवृत्तियाँ होती हैं, पावर मनी स्टेटस एटीसी एक्सेट्रा। तो हर व्यक्ति का वाई अलग होता है ना, हर व्यक्ति मतलब जैसे हमारे देश में होता है कि इंडिया में ऐसा होता है कि बहुत बड़ा नंबर ऑफ पीपल है जो कि सरकारी जॉब के पीछे अपने 10-15 साल खराब कर देते हैं। सो दे ओनली वॉन्ट मनी स्टेटस, मेजोरिटी ऑफ देम, नॉट एवरी वन, बट मेजोरिटी ऑफ देम वो यही चाहते हैं, पैसा पावर, जिसकी वजह से वो तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए उनका वाई क्लियर नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर लोगों की बुरी हालत हो जाती है। खैर ये बहुत डिबेटेड टॉपिक है, बहुत डिटेल में जा सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड स्पिरिचुअल बुक्स हैव प्लेड अ डिस्टिंक्ट रोल इन मोल्डिंग द कैरेक्टर्स एंड पर्सनैलिटीज ऑफ ग्रेट लीडर्स ऑफ मैनकाइंड। पूरी हिस्ट्री, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में आध्यात्मिक किताबों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों की पर्सनालिटी को मोल्ड करने में, चेंज करने में, और उन्हें ग्रेट ग्रेट लीडर्स बनाने में। तो मैं जितने भी महान लोगों को देखता हूँ, जो कि वास्तव में महान है ना, मैं ऐसे ऐसे महान व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, शाहरुख खान ये कोई महान व्यक्ति है, ये लोग तो कर्ज हैं सोसाइटी के ऊपर। खैर तो ऐसे लोग जिन्होंने वास्तव में ज़िंदगी में लोगों के लिए काम किया है, लाइक यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे शिवाजी, अब्राहम लिंकन, गांधी जी, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि सब लोग जो है वो आध्यात्मिक किताबों से और आध्यात्मिक लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और वो उनको पढ़ते रहते थे। द इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाई ग्रेट बुक्स अपॉन द लाइफ ऑफ मैन इज एन अनडेनाइबल पॉजिटिव फैक्टर इन ह्यूमन प्रोग्रेस। ये जो इन्फ्लुएंस पड़ता है महान किताबों का इंसान के जीवन पर, वो एक बहुत ही मतलब जिसका जिसकी कीमत नहीं है, इतना बड़ा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, अनडेनाइबल, मतलब जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिसको मना नहीं किया जा सकता, इतना मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है कुछ भी हो जाए। फोर्थ मोल्डर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन, हाउ फार विल शिवानंद लिटरेचर हेल्प टू मोल्ड स्टूडेंट्स थॉट्स। शिवानंद का जो लिटरेचर है वो कितनी दूर तक स्टूडेंट्स के थॉट्स को मोल्ड करने में मदद करेगा। आंसर है स्पिरिचुअल लिटरेचर ऑलवेज हेल्प्स एंड एलिवेट्स। जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है वो ऑलवेज आपको उठाता है, मदद करता है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट एवरी वन, ना केवल स्टूडेंट बल्कि सभी के लिए। द माइंड नीड्स फुल फूड जस्ट एज मच एज बॉडी नीड डज। जिस तरह से बॉडी को फूड की जरूरत होती है, उसी तरह से माइंड को फूड की जरूरत होती है। जब हम खाना खाते हैं, रियल में जो स्थूल खाना खाते हैं,
और हमारी बॉडी, हमारा पेट भर जाता है, तो हम उसके बाद पूरे दिन क्या कर रहे होते हैं? अपने माइंड का, माइंड से कंजम्पशन कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का। अब वो कंजम्पशन कैसा होगा, वो इनपुट कैसा होगा, उसी के बेसिस पे आउटपुट होगा। अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं, हम लोग आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव इनपुट है। कोई व्यक्ति यूट्यूब पे टाइम पास कर रहा है, यूट्यूब पे क्राइम चीज़ें देख रहा है, या फिर मूवीज टीवी सीरीज, अननेसेसरी की मूवीज टीवीज, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मूवीज एंड टीवी सीरीज खराब होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी टॉपिक पर बनी होती हैं, जैसे 3 इडियट्स मूवी है वो काफ़ी अच्छी है, वो बेटर टॉपिक पर बनी है। बट आप समझ रहे हो कि मैं किस चीज़ को नेगेटिव कंटेंट और किस चीज़ को पॉजिटिव कंटेंट कह रहा हूँ। तो ये हम लोग फूड लेते रहते हैं। इफ कैटल आर फेड ऑन गुड प्रिपेयर्ड फूड इन दी काउ शेड, अगर कैटल को, जो गाय है वो क्या है, बकरी, ये सब हमारे कैटल्स होते हैं, अगर उनको एक बहुत ही अच्छा फूड प्रोवाइड किया जाए काउ शेड के अंदर, वो कभी भी बाहर नहीं जाएंगी ग्रेस करने के लिए, चरने के लिए। दे विल नो लॉन्गर गो आउट टू ब्रीज ऑन रबिश, ग्रेज ऑन रबिश, वो फालतू चीजों को खाने बाहर नहीं जाएंगी। इवन सो इफ द माइंड इज फेड ऑन गुड थॉट्स कंटेन्ड इन स्पिरिचुअल लिटरेचर, उसी तरह से अगर माइंड को गुड थॉट्स, गुड कंटेंट अगर उनको, उसको डाला जाएगा स्पिरिचुअल लिटरेचर के थ्रू, वो भी बाहर की टेस्टलेस फालतू चीजों में अपने आपको जाएंगे नहीं। दे विल नो लॉन्गर एंटरटेन अ टेस्ट ऑफ टेस्ट फॉर चीप लिटरेचर, वो भी फिर फालतू चीप लिटरेचर के लिए जाएंगे नहीं, है ना। अब स्वामी शिवानंद जी के टाइम पे लिटरेचर हुआ करता था, यूट्यूब वगैरह नहीं हुआ करता था। अगर वो यूट्यूब वगैरह होता तो यूट्यूब और भी चीज़ें होती तो उसके ऊपर भी वो ज़रूर बोलते। 99.9% कॉन्टेंट जो है वो फालतू, माइंड को नेगेटिविटी की तरफ ले जाने वाला और बर्बाद करने वाला है पूरे इंटरनेट पे, और 0.1 कॉन्टेंट ही काम का है। अब ऑब्वियस सी बात है कि बाय डिफॉल्ट लोगों को वही दिखेगा, अनलेस वो अपने सर्च को वो ना करें। और दुख की बात तो ये है कि जब लोग इन OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए या जो भी कंटेंट हो गया उसको खोलते हैं, तो शुरुआत जो दिखता है होम पेज पे वही बहुत ही वो नेगेटिव होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 99.9 कंटेंट स्टूपिड है, तो वही सामने आएगा, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। बट हमारे हाथ में जो है वो कि हम सर्च सही चीज़ें ही करें, क्योंकि डेमोक्रेसी है, मार्केट रन इकोनॉमी है, और ऐसी चीज़ें अपलोड की होती हैं क्योंकि दुनिया में डिमांड ही इसकी है। एक अधनंगी लड़की अगर यूट्यूब पे अपना वीडियो, डांस करके वीडियो बना के डाल दे, तो उस पर कुछ ही टाइम में 1 करोड़ से प्लस व्यूज़ हो जाएंगे। पर अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक किताब को पढ़ के, जी जो वास्तव में मदद करेंगी किसी इंसान को दुख से निकलने में, वो पढ़ के डालेगा, तो उस पर 1 साल में भी 1,000 व्यूज़ नहीं पहुँच पाएंगे। डिमांड जो है वही गलत चीज़ों की है, तो सप्लाई भी गलत चीज़ों की ही होगी। हम इंडिया देश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है बहुत सारे स्टेट्स को, स्पेशली ITC जैसी कंपनियों से, जो कि एल्कोहल, स्मोक, गुटखा, पान मसाला, तमाम तरह के नेगेटिव और गलत चीज़ें बनाती है जो कि इंसान को बर्बाद करता है। जगह जगहों पे गुंटियाँ खुली रहती हैं, और इसकी डिमांड है इसलिए सप्लाई है, और इसलिए कंपनी हमेशा तरक्की करती रहती हैं। सरकार भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि सरकार का पैसे से ही लोग मुंह बंद कर देते हैं, और हमारे पॉलिटिशियंस को तो चाहिए ही पैसा, वो भी बर्बाद है, उसमें क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हाउएवर नोटिस वन पॉइंट, वाइल वाइल स्पिरिचुअल लिटरेचर ऑलवेज हेल्प द एक्सटेंट टू विच इट बेनिफिट्स अ मैन डिपेंड्स अपॉन द मैन हिमसेल्फ। स्पिरिचुअल लिटरेचर ऑलवेज मदद करता है, बट ये कितनी मदद कर पाएगा ये उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। वो इंसान जितना ज़्यादा उसे अप्लाई कर पाएगा अपने जीवन में, उसे उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। यू विल बी बेनिफिटेड टू द एक्सटेंट टू विच यू ऑलरेडी पोजेस्ड अ मॉरल कैरेक्टर। आपको, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही स्वामी जी ने, कि आपको उतना ही बेनिफिट मिल पाएगा जितना आप ऑलरेडी पजेस करते हैं मॉरल कैरेक्टर। आपका मॉरल कैरेक्टर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आप स्ट्रांग बनेंगे। अब ना मॉरल कैरेक्टर क्या होता है, मॉरल कैरेक्टर में बेसिकली ऊपर ऊपर से देखें तो 5 चीज़ें आती हैं। कोई इंसान ये 5 चीज़ें ही फॉलो कर ले तो लाइक उसकी जीवन तर जाए, वो मुक्ति की तरफ बहुत आगे बढ़ जाएगा। पहला जो आता है वो आता है कि हमें
कभी भी अपने शब्द से, एक्शन से और थॉट से, थॉट वर्ड एंड एक्शन, थॉट से, विचारों से, वर्ड से, मतलब बोलने के द्वारा और एक्शन से, ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए जिससे किसी को दुख हो। मतलब ऐसा दुख नहीं जिसके आप समझ रहे हैं, दुख नहीं मतलब हिंसा ना हो। दुख आपके सही कामों से भी लोगों को दुख हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मोरल कैरेक्टर का डेफिनेशन क्या है, बेसिकली जो महात्मा बुद्ध, स्वामी शिवानंद जी, पतंजलि महर्षि, भगवान महावीर, इनके द्वारा और जीसस क्राइस्ट एक्सेट्रा के द्वारा बताया गया है। सी, अगर जीवन में मुक्ति पाना है तो हम मुक्ति हमें पाना वही सिखा सकता है जिसने वास्तव में वो पाई है, जिसने पूरा रास्ता चला है, वही हमें बता सकता है कि रास्ता क्या है ना, दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता क्या है, इस जन्म मरण के खेल से मुक्ति पाने का रास्ता क्या है। तो जिन्होंने पाई है, उन्होंने रास्ता बताया है, तो हमें उसी पे विश्वास करना चाहिए, ना कि इधर उधर के लोग जो बोल रहे हैं उस पे विश्वास करना चाहिए। तो इन्होंने जो मोरल कैरेक्टर का डेफिनेशन बताया, उसमें पहला स्टेप ये है। अब जो भी मैं बताऊंगा ना, वो थॉट, वर्ड और एक्शन लेवल पे होगा, मतलब थॉट विचारों के स्तर पे, वर्ड मतलब हम जो बोलते हैं, एक्शन मतलब जो हम करते हैं। तो पहला है थॉट, वर्ड, एक्शन से किसी को, किसी की हिंसा ना करना, एब्स्टेन फ्रॉम किलिंग। दूसरा जो है एब्स्टेन फ्रॉम स्टीलिंग, किसी भी तरह की चोरी, अपना वो चोरी कई तरह की हो सकती थी, आइडेंटिटी की भी थेफ्ट हो सकती है, किसी की आइडेंटिटी चुरा के हम जो काम कर रहे होते हैं, किसी की आइडेंटिटी पे हम कुछ काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सॉफ्टवेयर ले रहे हैं पर किसी और की आइडेंटिटी पे हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो भी वो भी एक चोरी में आएगा। हम एयरपोर्ट पे हैं और हम कस्टम के लिए रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हम क्या क्या सामान लाए हैं, और ताकि हमें कस्टम ड्यूटी ना पे करना पड़े एयरपोर्ट पे, वो भी एक चोरी है, और चोरी नॉर्मल चोरी तो चोरी है ही। तीसरा होता है ब्रह्मचर्य, एब्स्टेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो बस हस्बैंड वाइफ के बीच में ही वो रहना चाहिए, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो हमें उन्हीं के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, उन्हीं के बीच में ही होना चाहिए, 10 जगहों पे मुंह नहीं मारना चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के ऊपर है ये, सोसाइटी में ऐसा लगता है कि बॉयज ही ऐसा करते हैं, बट रियलिटी अपोजिट है, गर्ल्स के साथ ज्यादा हो रहा होता है। बस ये कि बॉयज को फ्रीडम ज्यादा होती है तो वो दिखता है, गर्ल्स को फ्रीडम नहीं होती तो वो छुपके होता है, जो भी होता है। खैर, तो तीसरा है ये वाला पार्ट, है ना। वैसे तो बेस्ट तो यही है कि जितना ज़्यादा हम अपना सीमन सेव कर सकते हैं उतना ज़्यादा सीमन सेव करें, और इन सब चीज़ों से दूर रहें, इवन अपनी वाइफ से भी एक डिस्टेंस बना के रखें इन सब चीज़ों के मामले में। और बच्चों की वैसे इस दुनिया में सच जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, बट स्टिल अगर आपको बच्चा चाहिए तो एक बच्चा काफ़ी है, 2 बच्चे काफ़ी हैं, उसके बाद इस तरह की एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इससे लॉस होता है। हालांकि कंट्रोल करना मुश्किल है, बट कंट्रोल करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो तीसरा ये हो गया मोरल कैरेक्टर के अंदर। चौथा हो गया एब्स्टेन फ्रॉम लाइंग, गॉसिपिंग, बैक बाइटिंग एक्सेट्रा। तो पीछे पीठ पीछे बुराई करना, परनिंदा करना, फालतू की गॉसिप करते रहना, झूठ बोलना, ये सब चीजें फोर्थ में आती है। और फिफ्थ आता है एब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहल, इंटॉक्सिकेंट्स, जितने भी तरह के मानसिक और शारीरिक चीजें होती हैं जिनसे हम बर्बादी की तरफ जाते हैं, उनसे एब्स्टेन नहीं करना। अब नाउ ये तो बहुत आसान है कि बहुत ज्यादातर लोग लिए, जैसे मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसान है कि वो नॉन वेज को ना खाएं, और मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि नॉन वेज इंडिया में नहीं खाएं। अगर हम जापान में हैं और थाईलैंड में हैं तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है नॉन वेज के अलावा, वहाँ पे नॉन वेज खाना ही पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन वेज और वेज ये कोई, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, वो हमें देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। कोई व्यक्ति इंडिया में है तो इंडिया में सफिशियंट अमाउंट ऑफ वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है, पर कोई व्यक्ति जापान में है तो जापान में तो लैंड ही नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं। तो देश काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। अब नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिगरेट, शराब, ड्रग्स, गुटखा पान मसाला, इनसे तो हम बच सकते हैं आसानी से, बट एक बहुत बुरी चीज इस दुनिया में जो अवेलेबल है वो है कंटेंट, स्टूपिड कंटेंट। तो एब्स्टेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? इंटॉक्सिकेशन का डेफिनेशन ये होता है एनीथिंग विच डाइवर्ट यू फ्रॉम द रियलिटी।
ऐसी कोई भी चीज जो आपको सच्चाई से एकदम मोड़ दे, आपको आपका माइंड कहीं और चला जाए, आप एक काइंड ऑफ नशे में आ जाए, एक काइंड ऑफ नशे में आ जाए। तो जब हम कोई टीवी सीरीज देख रहे होते हैं जिसमें मान लीजिए 100 एपिसोड्स हैं और हम उसे वन बाय वन देखते जा रहे हैं, और एक वो एक फैंटेसी पे और स्टूपिड चीज पे बनी हुई है, काल्पनिक, पूरी तरह से काल्पनिक है, हम वो देख रहे हैं, तो वो भी एक तरह का इंटॉक्सिकेशन है, क्योंकि जब तक हम वो देख रहे हैं उसमें ग्रैस हो जाते हैं, और हमें जो दुख होता है लाइफ में हमारे को, हमें पता नहीं पड़ता है। जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसके साथ ऐसे ही होता है, वो नशे में रहता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसकी वो कर क्या रहा है, उसको कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है जब वो धुत हो जाता है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति कोई एंटरटेनमेंट में ही फंसा रहता है तो वो बस उसी में रहता है, उसको जो उसके दुख है वो भूल जाता है। बट जैसे ही वो कंटेंट खत्म होता है, वो दुख और बड़ी मात्रा में उसके सामने आता है, क्योंकि उसने जो कंटेंट, जो कचरा देखा है, उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, प्लस जो पास्ट में जो जो ऑलरेडी दुख है वो तो आएगा ही। तो दुख से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। आप किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेशन से, चाहे वो मेंटल लेवल पे एंटरटेनमेंट करके अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे स्मोक, ड्रग्स और ये सब लेके, मारिगुआना और तरह तरह के एलएसडी वगैरह, तरह तरह के वो होते हैं जिससे कि इंसान अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, पता नहीं कौन से डायमेंशन में पहुंच जाता है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो यही है कि हमें अपनी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना पड़ेगा, मॉरल कैरेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा, बुद्ध, महावीर, जीसस, पैगंबर हजरत मोहम्मद, स्वामीश्वरन जी, जितने भी महान संत हुए उन लोगों की बात को सुनना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। दुख तो सिर्फ उसी से कम हो सकता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो ये मॉरल कैरेक्टर का डेफिनेशन हो गया। काफी इंपॉर्टेंट बात है कि स्पिरिचुअल लिटरेचर वहीं तक मदद कर पाएगा जितना आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है, जितना आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है उतनी मदद मिल पाएगी। आगे स्वामी जी कहते हैं, हैव अ लाइकिंग फॉर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स एंड हैव फेथ इन बुक एंड इट्स ऑथर। हमें स्पिरिचुअल बुक्स को पसंद करना चाहिए, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स को पसंद करना चाहिए, और हमें फेथ होनी चाहिए उस किताब पर और उसके ऑथर पर। वट इज द ट्रू ऑफ स्पिरिचुअल लिटरेचर इन जनरल? एक ट्रू स्पिरिचुअल लिटरेचर होता क्या है इन जनरल? इज ट्रू ऑफ शिवानंद लिटरेचर ऑल्सो? क्या शिवानंद जी का लिटरेचर भी ट्रू है? इज इन एडिशन शिवानंद लिटरेचर इज अ क्वालिटी ऑफ कन्वर्टिंग इवन सिंसियर्स एंड एथिस्ट, सिनर्स एंड एथिस्ट। स्वामी शिवानंद जी के लिटरेचर में, स्वामी शिवानंद जी के लिटरेचर में इतनी ताकत है कि, और इतनी क्वालिटी है कि वो सिनर्स और जो एथीस्ट होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, उन्हें भी कन्वर्ट कर सकती है वो अध्यात्म में। दिस इज बिकॉज ऑफ डिवाइन पावर्स ऑफ ऑफ द राइटर। और ये तभी हो पाता है जब किसी राइटर को डिवाइन पावर अवेलेबल होती है, जब वो कनेक्ट कर पाता है हायर कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक लेवल से। सी एथिस्ट मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एथिस्ट का डेफिनेशन नहीं पता। लोगों को लगता है कि जो भगवान पे भरोसा करता है वो आस्तिक है, जो भगवान पे भरोसा नहीं करता वो नास्तिक है। ऐसा नहीं होता है, रियलिटी ये नहीं है। अगर आप म्यांमार, थाईलैंड यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे 90% लोग ये मानते हैं कि कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई सृष्टि को बनाने वाला कुछ कोई नहीं है। पर वहाँ पे भी बैंकॉक और इस टाइप की स्टूपिड जगह है जहाँ पे तमाम तरह की फालतू चीजें होती है, और थाईलैंड में भी लोग वही दुख पा रहे हैं जो इंडिया में लोग दुख पा रहे हैं, और इंडिया के 99% लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया को कोई बनाने वाला भगवान है और कोई एंटिटी है जिसने ये पूरी सृष्टि को बनाया है वगैरह वगैरह। तो दोनों ही लोग जो है वो सेम दुख से पीड़ित हैं। सच्चाई ये है कि एथिस्ट वो होता है जो कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी को, एक मुक्ति के साइंस को बेसिकली नहीं मानता, वो एथिस्ट होता है ना? और जो मुक्ति के साइंस को मानता है वो आस्तिक होता है। तो यहाँ पे एथिस का डेफिनेशन अलग है ना? एथिस का डेफिनेशन वो नहीं होता जो पब्लिक में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि भगवान को मानने वाला आस्तिक और भगवान को ना मानने वाला नास्तिक, ऐसा नहीं है। बेसिकली हर एक चीज का एक साइंस होता है, मुक्ति पाने का भी एक साइंस है। फॉर एग्जाम्पल, डिजायर्स को रिड्यूस करना, संतोष रखना, ज्यादा ग्रीड ना करना, कंज्यूमरिज्म पे ना जाना वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मोरल कैरेक्टर का डेफिनेशन बताया था, वो भी एक है। पतंजलि ऋषि ने क्लियरली बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये है साइंस पूरे स्पिरिचुअल लिटरेचर, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी के अंदर मुक्ति पाने का। तो जो उस पर यकीन करता है वो आस्तिक, जो नहीं यकीन करता है वो नास्तिक। तो स्वामी शिवन जी के लिटरेचर में इतनी ताकत है कि वो पापियों को, यानी सिनर्स का मतलब होता है पापी, जो कि गलत गलत काम करते हैं, उनको और एथिस्ट को भी
कन्वर्ट कर सकते हैं अध्यात्म में. दिस इज बिकॉज ऑफ द डिवाइन पावर ऑफ द राइटर. इट इज बिकॉज स्वामी जी'स अपील इज फोर्सफुल एंड हिज स्टाइल इज सिंपल. स्वामी जी शिवानंद जी की जो स्टाइल है वो सिंपल है और उनकी जो अपील करने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है. बिकॉज उनकी राइटिंग जो आप उनको पढ़ोगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जिस तरह से उन्होंने लिखा है वो काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं सामने वाले से. वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि उनकी जो किताबें लोगों ने पढ़ी हैं, उनकी किताबें पढ़ के जो लोग उनके पास हैं उनसे उन्होंने उन वो बहुत उनको मानते हैं. ही डायरेक्टली एड्रेसेस द रीडर एंड दस टचेज हिज हार्ट विथ हिज रशिंग सॉरी राउजिंग डिवाइन मैसेज. वो डायरेक्टली जो है वो किसको संबोधित करते हैं? रीडर को संबोधित करते हैं जो रीड कर रहा है, जिससे वो ये हृदय को छू पाते हैं और एक एक उठता हुआ एक ज्वलनशील जो अंदर हमारे अंदर जोश भरता है उस तरह के डिवाइन मैसेज को वो देने की कोशिश करते हैं. ये शोज प्रैक्टिकल वेज एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इम्प्योरिटी. वो हमेशा प्रैक्टिकल वेज बताते हैं, एक ऐसे वेज बताते हैं जो कि वास्तव में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं हमारे जीवन में और अपने अंदर से जो गंदगी है उसको ओवरकम करने में उसमें मदद करते हैं. एविल एंड बिकमिंग डिवाइन, इम्प्योरिटी को ओवरकम करने में, एविल को ओवरकम करने में और डिवाइन एक देव स्वरूप बनने में मदद करते हैं. ये इन्फ्यूजेस कॉन्फिडेंस ऑप्टिमिज्म एंड इंस्पिरेशन इन टू यू. वो आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक आशावाद और एक इंस्पिरेशन इंड्यूस करते हैं. याद रहे मोटिवेशन इंड्यूस करना और इंस्पिरेशन इंड्यूस करने में दोनों में अंतर होता है. मोटिवेशन टेम्पररी होता है, इंस्पिरेशन काफ़ी परमानेंट होता है. ही स्पीक्स टू स्टूडेंट फ्रॉम देयर ओन लेवल एंड काउंसिल्स देम एज देयर फ्रेंड एंड वेल विशर. तो स्वामी शिवन जी का जो लिटरेचर है, स्वामी शिवन जी की जो किताबें हैं वो स्टूडेंट्स को मदद करती है उनके खुद के स्तर पर. फॉर एग्जाम्पल स्वामी शिवन जी ने किताब लिखी है द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य, जिसमें उन्होंने मेस्टर्बेशन, हस्त मैथुन जिसे कहते हैं, पोर्नोग्राफी, मनुष्य का एक दूसरे के प्रति जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है उनकी स्किन को देख के, उनके बॉडी पार्ट्स को देख के, उसको उन्होंने डील किया उसमें. द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य बुक अवेलेबल इंटरनेट पे ऑनलाइन, जस्ट राइट ऑन गूगल प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य बाय स्वामी शिवानंद जी, PDF आपको मिल जाएगी. वो बुक की रिकॉर्डिंग हिंदी में मैंने अपलोड करके रखी है अपने चैनल पे, आप चाहें तो वो देख सकते हैं. वो किताब आप जस्ट उसको लगा दीजिए और सुनते रहिए आप. वो आपको बुक मदद कर, अगर आपके पास रीडिंग करने की कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आप रीड नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ सुनना चाहते हैं, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप बस सुनना चाहते हैं, सुन के ना थोड़ा आनंद आता है थोड़ा, इसलिए मैं किताबों की वीडियो प्लस ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. बिकॉज जब उन्हें सुनते हैं तो एक सुनने से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है ना. महापुरुषों ने अपनी बातों को लोगों को सुना के ही समझाया है. जितने भी महापुरुष हुए उनमें से बहुत कम लोगों ने लिखा है. जो एकदम मुक्त थे ना, जैसे बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, जीसस क्राइस्ट हुए, पैगंबर हजरत मोहम्मद हुए, और भी जो महान और महान बहुत एकदम जिनके बेसिस पे इन्होंने लोगों ने संप्रदाय खड़े कर दिए, ऐसे लोगों ने लिखा नहीं है, उन्होंने बोल बोल के ही लोगों को बताया है. सो शब्दों का बहुत असर पड़ता है और वो स्टूडेंट्स को उनके लेवल पे आके समझाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और उनके वेल विशर होते हैं. ही ऑलवेज टेक्स द पॉजिटिव कोर्स ऑफ इनकरेजिंग देम एंड इन्फ्यूजिंग न्यू होप एंड ऑप्टिमिज्म इनटू देम. ही सेल्डम टेक्स द कंडेमनेटरी एटीट्यूड. वो कई बार ऐसा एटीट्यूड लेते हैं जिसमें वो निंदा कर रहे होते हैं, पर वो कंस्ट्रक्टिव निंदा होती है. ठीक, निंदा भी दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, एक डिस्ट्रक्टिव होती है. डिस्ट्रक्टिव मतलब लोग जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने गलत उसके लिए जो निंदा करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होती है, और कंस्ट्रक्टिव जो होती है जो इंसान को ऊपर उठाए. कबीर दास जी ने क्या कहा है, मैं आपको कबीर दास जी का वो दोहा दिखाता हूँ जिसमें कबीर दास जी ने क्या बताया निंदा के ऊपर. तो कबीर संत कबीर दास जी का इस श्लोक के ऊपर मैं बात कर रहा था जो कि हम किताब में पढ़ रहे थे, कि कौन सी ऐसी जो कंस्ट्रक्टिव निंदा क्या है. तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखी है आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल निर्मल करे सुभाए. इसका मतलब है कि जो हमारी निंदा करता है हमें उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए, वहां तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है. कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को सदा चापलूसी से दूरी और अपनी निंदा रखने करने वालों
को अपने पास ही रखना चाहिए ना। चापलूस जो होते हैं आपकी झूठी तारीफ करके डिस्ट्रक्टिव प्रेस करते हैं, क्योंकि निंदा सुनकर ही हमारे अंदर स्वयं को निर्मल करने का विचार आ सकता है। और यहाँ निर्मलता पाने के लिए साबुन और पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। आज के युग में शायद ही ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारी बुराई करते हैं अक्सर हम उनमें से दूर ही भागते हैं, जनरली ऐसा होता है। निंदक निहरे राखिए, आपको मैंने बता दिया। आगे स्वामी जी कहते हैं, हेंस हिज बुक्स अपील टू द यूथ एंड आर इफेक्टिव इन मोल्डिंग देयर थॉट्स एंड कंडक्ट। इसलिए उनकी किताबें जो हैं वो यूथ को अपील करने में सक्षम होती हैं और उनकी कैरेक्टर को, उनके थॉट्स को, उनके वर्ड्स को, उनके एक्शंस को मोल्ड करने में मदद करती हैं। आगे का टॉपिक है रियल वेल्थ ऑफ मैनकाइंड, असली धन क्या है इंसान का या इंसानियत का। क्वेश्चन है, इट इज ट्रू दैट स्वामी शिवानंदस वर्क हैव एनरिच्ड द वर्ल्ड्स स्पिरिचुअल लिटरेचर। कई सच है कि स्वामी शिवानंद जी की जो किताबें हैं उन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लिटरेचर है उसको एनरिच किया है, उसको बहुत बढ़ाया है। तो स्वामी चिदानंद जी कहते हैं कि एब्सोल्युटली, आंसर करते हैं एब्सोल्युटली, बिल्कुल। गुरुदेव वर्क्स आर सो मैनी जेम्स गुरुदेव वर्क्स आर सो मेनी जेम्स एडेड टू द स्पिरिचुअल लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। गुरुदेव यानी स्वामी शिवानंद जी के जो वर्क्स हैं, जो उनकी किताबें हैं, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे ऐड किया है स्पिरिचुअल लिटरेचर के अंदर जेम्स। स्वामी शिवानंद बीइंग अ गॉड रियलाइज्ड सोल, वॉट एवर फ्लोज आउट ऑफ हिज पेन टर्न्स आउट टू बी स्पिरिचुअल लिटरेचर। स्वामी शिवानंद जी जो कि एक ईश्वर प्राप्त संत थे या गॉड रियलाइज्ड संत थे, जो या फिर हम कहें कि मुक्ति प्राप्त संत थे, क्योंकि कोई लोग गॉड पे यकीन करते हैं, कोई लोग गॉड पे यकीन नहीं करते, तो आप ये समझिए कि उन्होंने सारे दुखों से मुक्ति पा ली थी, जैसे बुद्ध ने सारे दुखों से मुक्ति पा ली थी, उसी तरह स्वामी शिवानंद जी ने भी सारे दुखों से मुक्ति पा ली थी और दूसरों को मदद की थी दुखों से मुक्ति पाने में। जो भी उनके पेन से निकलता है वो स्पिरिचुअल लिटरेचर एक हाईएस्ट ऑर्डर होता है। आगे स्वामी चिदानंद जी कहते हैं, शिवानंद लिटरेचर हैज कम एज अ गॉड सेंट गिफ्ट एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू अ सीवियर क्राइसिस इन वैल्यूज। स्वामी शिवानंद जी का लिटरेचर ईश्वर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है हमें, जब तब वर्ल्ड एक बहुत ही सीवियर मुश्किलों से गुजर रहा है, इन द सेंस ऑफ वैल्यूज, मतलब मोरल कैरेक्टर और वैल्यूज के कैरेक्टर में ये सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यू विल अप्रिशिएट दैट गुरुदेव्स मैसेज ऑफ सर्व लव गिव प्यूरिफाई मेडिटेट रियलाइज ब्यूटिफुली एम्पलीफाइड इन द न्यूमेरस वर्क्स इज अ वैल्यूएबल एडिशन टू द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियंस। आप लोग गुरुदेव के, यानी गुरुदेव यानी स्वामी शिवानंद जी, गुरुदेव जहाँ भी बोला गया होगा स्वामी शिवानंद जी समझना, यू विल अप्रिशिएट, आप लोग अप्रिशिएट करोगे, तारीफ करोगे गुरुदेव के मैसेज को, जिसका मतलब है सर्व यानी सेवा करना, लव यानी प्यार करना, लोगों को प्यार से बात करना, सबसे प्यार से रहना, गिव यानी दान देना, देना लोगों को, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो कुछ भी हो, अच्छी चीजें देना, प्यूरिफाई अपने आप को शुद्ध करना, ध्यान करना, और उस के बाद रियलाइज करना, जो भी हम आध्यात्मिक चीजें कर रहे हो उसे एक रियलाइजेशन होता है ना। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ रियलाइज होता है कि यार जीवन में ये सच तो हमें फॉलो करना ही है। इसे बहुत ही ब्यूटीफुली बढ़ाया गया है बहुत सारी जगहों पे, और एक ये बहुत ही कीमती एडिशन है, कीमती जो जो कीमती है एडिशन है, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे धर्मों के अंदर जोड़ा गया है।